कभी सोचा नहीं बिन तेरे मैं कौन हूँ, तू है तो ही ये सांसें है ओ, ये दिल क्यों ना कह सका It's been really very hurt. Badly injured, take him to the hospital. Please come fast. Hang in there. You're almost there, breathe. What? Almost there. Kunal, there. Kunal. He's lost so much blood. They broke his leg. Oh no. He'll be okay. Yeah. Where is he? OT. आप लोग फैमिली, अब इनकी पत्नी है क्या? क्या बोला, किसने किया ये? उनके फैमिली को बुलाते हैं जी। मैं उनकी फैमिली हूँ, आई एम हिज फैमिली, प्लीज टेल मी। आप कौन है? भाई है जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी एक्स वाइफ है। तो और कुछ सर? प्लीज क्वाइट। नहीं, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि वो मेरा लवर है, और अगर आप जैसे लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो मैं। देखिए, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर इसे हेट क्राइम कहते हैं? वैसे हमारे पास से कई वारदातें आई है आप जैसे लोगों के साथ में मारपीट करने की, और प्रीत ने भी बयान दिया है कि वो गाली दे रहे थे। वैसे हमारी टीम सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए गई है। ओके सत्यवान, चला। सच बुलशिट, आई मीन इज दिस हाउ डू वी नॉट हैव अ राइट टू लिव? आई मीन इज दिस हाउ वी शुड गेट ट्रीटेड? कैन वी नॉट लव? काम डाउन भाई, इतनी पूरी तरह से मारा था खून में, मतलब यू आर फकिंग डाइड। जस्ट काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ओके। Okay, come. Bye. Coffee. मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, okay? I've called Nihal. Why? साक्षी इस वक्त ना दोस्तों का होना जरूरी है। हमारे पास वहां के सीसीटीवी फुटेज आए हैं, ये देखिए। प्लीज एक बार देखिए, पहचान की कोशिश कीजिए। सभी लोग एक ही तरह के कपड़े पहने हैं। प्लीज देखिए, ये है वो लोग। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? ये वो लोग हैं जो काफी जगह पर दंगा फसाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं पे भी धरना हो, मोर्चा हो, वहां पर दंगा फसाद कराना हो तो इन लोगों को वहां भेजा जाता है। लेकिन ये लोग आप ही के पास क्यों है? क्या मतलब?
मतलब ये मैडम कि कोई पुरानी खुन्नस निकल रहा है। मिस्टर कुणाल ये बताइए कि आपके साथ किसी की पुरानी दुश्मनी, किसी झगड़ा लड़ाई वगैरह? नहीं इंस्पेक्टर, इन लोगों का काम ही है किसी जगह पर जाकर मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, समाज बचाव के प्रबोधन के लिए, और इसके पीछे किसी न किसी का जरूर हाथ होता है। अब ये देखिए ना, ये देखिए, इन्हें पहचान सकते हैं? ये सब कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं, आप देखिए। वो नहीं है, वो कोई और सर। ठीक से देखना प्लीज, गिव देम सम क्लू, नो टू हेल्प देम। कुणाल वो कह रहा है उसे पता नहीं है। जैसे प्रीत, क्या आपको किसी ने धमकी वगैरह दी थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कुछ तो आपने सुना होगा, कुछ तो देखा होगा आपने। देखिए, अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम उन तक कैसे पहुंच पाएंगे सर? सो प्लीज कोऑपरेट। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। अरे व्हाट डू यू मीन यार, यू डोंट नो। जस्ट रिलैक्स, लेट द कॉप्स क्वेश्चन हिम। कम सो ही, कुछ तो देखा होगा ना इसने। देखिए आपके से नथिंग, गौर से देखिए। काम डाउन। अरे बट तुम मुझे क्यों रोक रही हो यार? ही इज सेइंग वन थिंग, देन ही सेइंग अनदर। ही इज नॉट लिसनिंग। कुनास, व्हाई आर यू पुशिंग हिम? जब वो बोल रहा है कि उसको पता नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? टेल मी। बिकॉज़ आई वांट टू नो कि कौन हमसे इतनी नफरत करता है दैट ही वांट्स टू सी अस फकिंग डेड। दैट्स व्हाट आई वांट। कुनाल, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, ओके? जस्ट रिलैक्स। जी क्या हो गया? क्या हो गया? यू डोंट ऑलरेडी नो क्या हो गया? यू सेंट दीस गाइस, राइट? कुनाल स्टॉप। कुछ भी मत बोल। ये क्या बकवास है लवलीन यार? मैंने तेरे को बोला था ना, मुझे नहीं जाना इन लोगों से मिलने। एग्जैक्टली अपनी ट्रू कलर्स दिखा दिए ना इसने। यू आर अ फकिंग बिगट। क्या बोल रहे हो? अपने लड़के को सुधारने के लिए जो उसके पास एक लड़की भेज सकता है, वो प्रीत और मुझे ठीक करने के लिए हम एक गुंडे नहीं भेज सकता? आई डोंट बिलीव अ फकिंग वर्ड ऑफ व्हाट यू से यार। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ गुंडे आए। अरे तेरे जैसे लोग पूरे समाज को खराब कर रहे हैं। ब्लडी सिकोज। नियाल प्लीज। क्या है? हॉस्पिटल है मैम, प्लीज बी साइलेंट। ओके, व्हाट हैपेंड? क्या समझता क्या आपने आपको? माहौल खराब कर दिया हमारी फ्रेंडशिप का, ब्लडी नॉनसेंस आदमी। तेरी वजह से यंग बॉयज आर गेटिंग स्पॉइल। अरे मेरे वेद को बर्बाद कर दिया तूने। अरे उसे तो यही लगता होगा ना कि अंकल करते हैं हम भी करेंगे। अरे गलती कर दी तुम लोगों के घर के पास। क्या तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? आज जो प्रीत की हालत है ना, कल हमारे वेद की होगी। If you don't stop him, निहाल, खुद तो मरेंगे, हमारे जैसे शरीफ घर के लोगों को लेके मरेंगे। निहाल, enough. इतने साल की दोस्ती थी इसलिए बता रहा हूं। I did not send anyone, लेकिन भेजना चाहिए था, बहुत पहले ही भेजना चाहिए था। निहाल, अरे अपनी फैमिली तो नर्क बनाई हमारे साथ बना रहा है तू। चल लवलीन, तू चल यहां से। कुणाल, अब खामखा गुस्सा हो रहा है, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। प्रीत ने तो हमें बयान ही बदल दिया। क्या? What? तो क्या कह रहे हैं इनसे? That you don't remember? No, I don't. यार प्रीत, you said that, you clearly said that you. सुनो यार, तू चल गया। वो नहीं था वहाँ पे। I don't know कौन था, but वो नहीं था। I think उन लोगों ने पैसे के लिए मेरे पे अटैक किया और मेरे वॉलेट में पैसे थे नहीं। Didn't you say they called you a faggot? Why are you doing this, Yatreet? Sir, please, इसका कोई बड़ा केस मत बनाइए। ठीक है, अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाना। थैंक यू सर। सला प्लीज प्रीत, यू सेड दे कॉल्ड यू अ फैग, व्हाई डू यू से इट? ओके, आई एम ओके। नॉक तो क्या करूंगा? What? What is this? What? प्रीत को तुमने मारा? Look at me when I'm talking to you. प्रीत को तुमने मारा? No, I didn't. Don't lie to me, Shivi. I saw the photos. अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम एक क्रिमिनल हो? Have I raised you to be one like this? Huh? Okay, fine, mom. मैंने मारा उसे. And you know the reason why? Because I hate him. He made dad gay. I should have handled this better. Shivi,
दिस इज लव. दे लव ईच अदर. इट्स सिंपल. इट्स नॉट दैट सिंपल मॉम. इट्स नॉट दैट सिंपल. आई जस्ट नो वन थिंग कि उस प्रीत के बच्चे ने मेरे डैड को गे बना दिया. नो बडी एक एनीथिंग के शिवी. तेरे छोटे भाई को ये बात समझ में आती है तो तुझे क्यों नहीं? दे लव ईच अदर. और ये बात नहीं छुपानी पड़ी. अभी भी बिना डर के वो नहीं रह सकते. तुमने एक बार भी सोचा कि उन पर क्या बीत रही होगी? To live like this, to keep up their love. शिवी, no, I used to blame your father. But अब समझ में आया. It's you. तुम्हारे जैसे लोग, this so-called समाज, तुम लोगों को प्यार से इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों को अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है. तुम जैसे लोगों की वजह से कुणाल और प्रीत अपनी लाइफ छुपके जिए, घुटके जिए. Why? Huh? And you, this millennial लड़का, what's your problem? Why can't you just live and let live, शिवी? My problem is कि आप अब भी उनकी साइड ले रही. Mom, you have any idea कि स्कूल में मेरा कितना मजाक उड़ाया जाता है? My dad is a big joke. He is not a joke. तुम्हारे डैड ने 20 साल मुझे एक सिक्योर हैप्पी लाइफ दी. एंड फॉर दैट यू ब्लडी विल रिस्पेक्ट हिम. और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है दुनिया की, मोर देन योर फैमिली, जाओ, गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ. क्योंकि हम अभी भी एक फैमिली है. अंडरस्टैंड? द चॉइस इज योर्स. शिवी, Sakshi. Hi. Hi. Come. What a surprise. Got something for you. Wow. Carnations. How did you know I like them? Guess we have similar tastes. Yes, we do. I like. Listen, Preet. Listen. Thank you. किसलिए? शिवी एंड शिवी के मन में जो भी है, it'll take time to deal with it. उसे अरेस्ट करा के आया हूँ नवाज कुमार. मेरे फादर, but सुना है कि you forgive your kids for everything. Preet, I'm. Don't say. अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो forgive him. He really misses you. दिन में कम से कम 50 बार तुम्हारी और बच्चों की बातें करता है. You're still a part of every conversation in the house. अपने घर के लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए मुझे तुम्हारा नाम टाइप इन करना पड़ता है, because obviously he's not changed the password. तुम अभी भी उसकी लाइफ का हिस्सा हो साक्षी. Please forgive. मुश्किल है, but I'll definitely try. Listen, I want to do something for the two of you. Like what? How about tum dono ki engagement party? Can I throw it? What do you mean it? Yeah, I mean it's the least that I could do. Wow. Haan, lekin main aisa thopra leke nahi ja sakta. That's the gayest thing I've ever heard. It's good to be a cliche sometimes. Yes. Hi. Hello. wait. Hang on. Kar kya raha hai? Chandni, what happened? I'm just being shivy. Chandni, stop hitting me. Kya kar rahi hai? What do you mean what by you that? What are you saying, yeah, Shivi? This is going to solve everything? You complete stop. Fuck. Shivi? This is your solution to everything. No, you complete fuck. You asshole. Shivi, stop hitting me. Varna bhool jaunga. Main ladkiyon pe haath nahi uthata. Stop it. Oh, so cute. Shivi doesn't raise his hand on girls. So sweet, yeah? So sweet, yeah? Wait. Janvi.
You're not breaking up with me, right? Iske baad you think I'm going to be with you? You're so toxic, Shivi. Tumme itna zehar hai na. Main to kya your own parents don't want it. Shivi, don't say that. Go to hell. Stay like this. I don't give. I don't care. Just go. Janvi, listen to me. Janvi, listen. Janvi, listen to me. Nice to meet you. Same here. Thanks for getting her here. Yeah. Not at all. Hope you get better before the shadi. Yeah. Yeah. You must come. Preet, it's okay. It's a family thing, right? Tum badi rude ho yaar. I'm sorry. I didn't mean it that way. No. You should come. I'm inviting you as my guest. Thanks. Anyways, main gaadi nikalta hu. I'll see you outside. Yeah. Thanks. Okay. तुम्हारा इनवाइट साक्षी शिवाय एंड श्लोक इनवाइट यू टू सेलिब्रेट कुणाल एंड प्रीत स्पेशल डे मुबारक हो भाई आपको भी How's it? It's nice, but I sort of... I feel another color maybe, what's it? Yeah, I think so too. But I like the fit. And somebody wanted me to wear a sherwani. Traditional pehante hain waise. Are yaar, school ka rose day thodi hai, I can wear what I want. Shaadi ki theme hoti hai yaar. Arre nahi ki na, maine shaadi pehle. Yaar, tu pareshan kyun ho raha hai? You know what, actually mera sar dard ho raha hai. It's okay. Kal aa sakte hain. Sakshi, free tomorrow. जो भी है उसे बात करने देना डोंट इंटरप्ट ओके आई वॉन्ट इंटरप्ट एंड थैंक यू समझ में नहीं आ रहा प्रीत और मैं हर रोज लड़ते हैं इट्स जस्ट प्री वेडिंग जिटर्स यू थिंक या ऑफ कोर्स देखना व्हेन द एक्चुअल डे कम्स एवरीथिंग्स गोना बी ओके आई होप सो थैंक यू फॉर व्हाट फॉर बीइंग माय रॉक अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारी कोई भी शादी मेरे बिना नहीं हो सकती कुणाल You just stole my words, by the way. Oh my god. You look gorgeous. Thank you. You guys enjoying the party? Yes. And then she told him, इसे क्यों इनवाइट कर रहे हो? You know, किसी ने सही कहा है. डेटिंग में अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ती है वरुण साक्षी सो रूड यार बट ही इज ऑलरेडी हियर ना डेस मैं रोक पाई उसे नहीं ना समटाइम्स इट इज गॉट टू गो ओवर द फ्लोर एब्सोल्युटली बट एनीवेज वी आर द ग्रुप्स या वी आर द ग्रुप्स या आई विल जस्ट गो चेक ऑन देम आई विल बी बैक हे सेव मी अ डांस माय गॉड आई कम कम ऑन तू जैसा भी है तू बस मेरा आप था जैसा भी है तू ही
बस मेरा तू जैसा भी है तू ही है बस मेरा तू जैसा भी है तू ही है। It's just not working out. यार तूने ही अपने कपड़े चूज किए थे अंडर ड्रेस एंड ऑल ऑफ दिस feels like a fucking bad idea. Bad idea? Preet, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं यार. What do you mean bad idea? तो बोलो उन्हें घर चले जाएं. नहीं है उनके लिए यहाँ कुछ. Serve the entrees. What are you waiting for? Okay. I'll call you back. Guys, what is this? I told you na. All the fucking time. हर वक्त ये बस. He just keeps getting hectic. हाँ मेरी गलती है because I opened my mouth. Why don't you do what you like? एक काम करो. नहीं नहीं ये जो बाहर खड़े हैं इन्हें बोलो घर चले जाएं. लेट्स कॉल दिस थिंग ऑफ. ओके गाइस 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 गो. टाइम टाइम कुनाल आई टेक केयर ऑफ दिस. तुम जाओ गेस्ट को हैंडल करो. चल इट्स लुकिंग सो नाइस. विल यू प्लीज गो एंड हैंडल द गेस्ट. आई लुक इनटू इट. गो गो. व्हाट हैपेंड प्रीत? तेरे डैडी जी नहीं आए आज? नो मैन, ही टोल्ड मॉम समथिंग लाइक वो ऐसी शादी में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें समझ ही ना आए कि कौन दुल्हा है और कौन दुल्हन. Your dad now, my God, अजीब प्राणी है. लेकिन तेरी भी लाइफ कुछ कम फनी नहीं है. Oh, right. मतलब I always told you that you go for jerks. I wish मुझे तेरे जैसा कोई स्वीट सेंसिटिव लड़का मिल जाए. मैं अभी भी अवेलेबल हूँ. कल लिखा हुआ है कि तू एंजॉय नहीं कर सकता. वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है मुझसे. बहुत हुआ यार. गो एंड से सॉरी टू प्रीत अंकल एंड बी हैप्पी फॉर डैड बट फर्स्टली गेट ओवर योरसेल्फ. समझा? शट अप फैटी. तू भूल रहा है कि क्या छोटा लग तो नहीं रहा. यूज़र प्रीत इट्स योर बिग डे. सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं. साक्षी मैं नहीं कर सकता शादी. Preet, I have accepted it. Kids have accepted it, and now. तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं करनी शादी. And all of this, this is pretty awkward. Preet, Preet, छोटी सी बात है. इतनी छोटी बातों के लिए शादियाँ टूट नहीं जाती. Frankly, साक्षी मुझे शादी करनी ही नहीं थी. I know me and Kunal we wanted to be together, but this feels different. Doesn't feel the same. How is it different, Preet? I just don't get it. I don't know. हमारे रिश्ते में पहले सीक्रेट्स थे. हम छुप छुप के मिलते थे. वाज गुड. ही हैड अ फैमिली. वाज वेरी एक्साइटिंग. पिछले 7-8 महीने से इट्स बीन सफोकेटिंग. ओके मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर इट. ओके यू नो व्हाट प्रीत जस्ट रिलैक्स. काम डाउन. ओके जस्ट कम विद मी. कम तुम और साक्षी कब से? Does it really matter? सीधा सवाल है. जेलस हस्बैंड वाली फील आ रही है. नहीं सो दैट आई मीन मैं उसका दोस्त हूँ और वो मेरी फैमिली है और हमेशा रहेगी. सो इट्स ऑल गुड. 5-6 डेट्स पे गए हैं बट आई रियली लाइक हर. शी इज नाइस. शी इज ब्यूटीफुल. शी इज टैलेंटेड. You're wonderful. And you may have to up your game a bit. Okay. This is a little weird. You know, मैंने कभी पहले किसी आदमी से उसकी बीवी के बारे में बात नहीं की है. So, please don't hurt her. जैसे तुमने उसे hurt किया. नहीं करूँगा. At least you have a sense of humor. She liked that. This is like कभी अलविदा ना कहना. हाँ जोक थोड़ा ज्यादा होगा. Just look at him, Preet. He looks so happy. मैं उसे ऐसे कैसे कहूँगी? Please find a way, Sakshi. It's taken him everything to be here. तुम उसे समझा लोगी?
आई लव हिम बट उसकी लाइफ में अब नहीं रह सकता और मेरे जाने के बाद ही लीड यू प्रीत ही ऑलवेज डस प्रीत योर इस फैमिली प्रीत प्रीत दिस इज गोइंग टू ब्रेक ही इज गोइंग टू क्रश तुम प्लीज उसे बोल देना मैं उससे शादी नहीं कर सकता था तेरा।